ये देखिए आप, ये चिकन के पीसेस कितनी आसानी से बोन से अलग हो जा रहे हैं और इनका टेस्ट भी खाने में बहुत लाजवाब है। हेलो एवरीवन, आज मैं आने वाली हूँ तंदूरी चिकन। यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। एक बोल में 1/4 कप दही ले लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका तंदूरी चिकन बिल्कुल बाजार जैसा लाल दिखे, तो आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ऐड करने से पहले हमेशा जो दही का मिक्सचर है उसे पहले रेडी कर लें, जिससे दही के इस मिक्सचर को चिकन बनाना आसान हो जाता है। सो मैं यहाँ लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इन पर चाकू की मदद से इस तरीके से कट लगा देंगे, जिससे जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाएं। इसी तरह सारे पीसेस में कट लगा कर रेडी कर लेंगे। अब इन पीसेस को एक एक करके जो हमें दही का मिक्सचर बनाया था उसमें डाल देंगे और दही के मिक्सचर के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छे से जो हमने कट लगाए उसके अंदर भी मसाले लगा दीजिएगा, जिससे जब हम इसे तंदूर करेंगे तो तंदूर चिकन में मसालों का टेस्ट अंदर तक आएगा। सारे पीसेस पर मसाले अच्छे से लग गए हैं। अब इन्हें ढक कर रख देंगे। कम से कम इन्हें 1 घंटे के लिए ज़रूर ढक कर रखिएगा। जितने ज़्यादा के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो इन्हें रात में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और उसके बाद इन्हें नेक्स्ट डे तंदूर कर लें। मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। गर्मियों के मौसम में इसे फ्रिज में रखें। अब इन्हें पका लेते हैं। तो मैं इन्हें बेक करने वाली हूँ। एक बेकिंग ट्रे पर इन पीसेस को रख देंगे। अब इन पीसेस के ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि यह बेक होते समय बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ऑयल लगाने के बाद अब इन्हें एक साइड से बेक करेंगे। इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। एक साइड से बेक हो जाने के बाद अब इन्हें पलट लेंगे। अगर आपने चिकन पीसेस छोटे लिए हैं तो उन्हें पकने में कम समय लगेगा, अगर बड़े हैं तो उन्हें पकने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप टाइमिंग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इन्हें पलटने के बाद इनकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद इन्हें फिर से 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। सो हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। इन्हें बेक करने में मुझे लगभग 45 मिनट लगे हैं। इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, यह बहुत आसानी से बोन से अलग हो जा रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जब आप इन्हें फाइनली ओवन से निकालेंगे एक बार चेक ज़रूर कर लें कि चिकन अच्छे से पका है कि नहीं। अगर आपको चिकन थोड़ा कच्चा लगे तो आप इन्हें थोड़ी देर के लिए और बेक कर लें। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कम खर्च में तंदूरी चिकन घर पर बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।